हम सब जानते हैं मणिपुर एक राज्य है, वहाँ पर बहुसंख्यक मैते जाति इम्फाल घाटी में रहती है, जिसको आप और हम मणिपुरी के नाम से जानते हैं। ये जाति असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, म्यांमार में आज भी रहती है। क्योंकि मणिपुर अब एक केस स्टडी बन चुका है, इस वीडियो में हम समझेंगे और एक इश्यू जो मणिपुर व मणिपुरी से संबंधित है। इस वीडियो में हमने बताया क्यों मणिपुर अब एक केस स्टडी बन चुका है, ये वीडियो जरूर देखें। मणिपुर व मणिपुरी से संबंधित ये इश्यू मीडिया में नहीं आता है, इसलिए आम भारतवासी इससे बेखबर हैं। पर ये इश्यू इतना गंभीर है, चार सरकारों को मुश्किल में डाल देती है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, और समाज में असंतोष का कारण भी बनती है। ये इश्यू है मणिपुरी और विष्णुप्रिया मणिपुरी के बीच का रिश्ता। ये विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति मणिपुर, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश में रहती है। यदि आप ये सोच रहे हैं मैते जाति का नाम चेंज हो जाता है मणिपुर से बाहर, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैते एक जाति है और विष्णुप्रिया मणिपुरी ये भी एक जाति है, मूलतः दोनों हिंदू जातियां हैं। ये एक पेपर है 2019 में लिखी गई है। लेखक यहाँ लिखते हैं, मैते जाति मणिपुर के निवासी और अपनी भाषा को मणिपुरी से पहचान करवाना पसंद कराती है, पर मैते जाति की राय पर अंकुश लगता है जब विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपनी जाति के नाम के साथ मणिपुरी शब्द लगाती है और अपनी पहचान मणिपुर से कराती है। दूसरे शब्दों में, मणिपुरी के कॉपीराइट मैते जाति मानती है उनके पास है और विष्णुप्रिया मणिपुरी के पास कॉपीराइट नहीं है, इसलिए मणिपुरी शब्द का विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति द्वारा लगाने पर मैते जाति को आपत्ति है। इसके विरोध में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई जब असम सरकार और त्रिपुरा सरकार विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को मान्यता प्रदान करती है। असम सरकार और त्रिपुरा सरकार द्वारा दिए गए स्वीकृति को मैते जाति मैलिशियस कंपेयर टू वाइप आउट द मणिपुरी पीपल मानती है। लेखक यहाँ कई पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का सहायता लेता है। 2006 में छपी न्यूज आइटम्स द टेलीग्राफ और संगा एक्सप्रेस में छपा था। इस रिसर्च पेपर से ये पता चलता है कि पहला, मैते जाति को आपत्ति है विष्णुप्रिया जाति का मणिपुरी शब्द लगाने पर, और वे कोट करते हैं 2006 में छपी न्यूज आइटमों को। दूसरा, इनके बीच का इश्यू कंटेंशियस है। 2016 में डॉक्टर वाई मनोजित सिंघा, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर से, एक पेपर पब्लिश करते हैं विष्णुप्रिया मणिपुरी के ऊपर। टाइटल है कंस्ट्रक्टिंग द विष्णुप्रिया मणिपुरी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड एकोमोडेशन। वे अपने पेपर को इस बात पर एंड करते हैं क्योंकि विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपने साथ मणिपुरी शब्द लगाने में सक्षम हो गई है। लेखक चाहता है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया, सेंसस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम या और कोई सरकारी तंत्र रिवोक एंड नलीफाई एनी ऑर्डर, रिपोर्ट और इंस्ट्रक्शन जिसके कारण ये जाति मणिपुरी शब्द लगाने पर सक्षम हो गई है। फॉर दैट मैटर विद एनी अदर नॉन मणिपुरी कम्युनिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप। आगे वे चाहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इश्यू पर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से बात करें। The government of India has a moral obligation to raise this issue with the government of Bangladesh, which on the initiative and pressure of the Vishnupriyas has raised questions against the authenticity of the established Manipuri cultural history by way of adding Manipuri to the Vishnupriya. इन दो जर्नल आर्टिकल्स जो 2019 और 2016 में छपी थी, इससे यह पता चलता है मैतेज व मणिपुरी को आपत्ति है विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का मणिपुरी शब्द लगाने पर, या ये बोला जाए विष्णुप्रिया अपने साथ मणिपुरी शब्द का प्रयोग ना करें। इन दोनों जातियों के खान पान, पहनावा, भगवान, समाज का ढांचा सब एक है। एक मैते हिंदू और एक हिंदू विष्णुप्रिया मणिपुरी के बीच का डिफरेंस बस भाषा तक ही सीमित है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस वीडियो में इनके बीच क्या समानता है उस पर नहीं जाएंगे। पर विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के कुछ गाँव हैं जो मैते भाषा बोलते हैं, और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति कहीं नहीं है। मैते के बारे में हम सबको पता है। मैते और विष्णुप्रिया के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में वहाँ मणिपुर राज्य बन जाता है। यहाँ असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इस जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और प्रूफ मांगा जाता है, बताओ तुम कैसे मणिपुरी हो। चलिए समझते हैं उस समय क्या माहौल रहा होगा केपी सिन्हा की लिखी हुई बुकलेट से। नाम है ए नोट ऑन द टर्म विष्णुप्रिया मणिपुरी, पब्लिश हुई थी 1975 में। ये बुकलेट केपी सिन्हा की खुद की लिखी हुई बुक द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज का शॉर्टर वर्जन है। ये बुक द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज छपी थी 1960 में। पढ़ते हैं 1975 में छपी बुकलेट से। पहले ही पेज में लिखते हैं, द टर्म विष्णुप्रिया मणिपुरी हैज बिकम एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द मैतेज एंड द विष्णुप्रियास। द मैतेज होल्ड दैट दे आर द रियल मणिपुरीज इनहेबिटिंग द लैंड ऑफ मणिपुर फ्रॉम सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, व्हाइल द विष्णुप्रियास आर द डिसेंडेंट्स ऑफ सम बंगालीज हु एंटर्ड द लैंड ओनली अ फ्यू सेंचुरीज बैक। इस बुकलेट के आखिरी पेज में केपी सिन्हा एक चीज लिखते हैं। केपी सिन्हा संस्कृत के स्कॉलर थे,
ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें उस माहौल के बारे में पता चलता है। वे लिखते हैं, The idea behind the term Manipuri is ingrained in the hearts of the Bishnupriyas. They are proud of the Manipuri culture, its dance, kirtanan, dress, etc. If in spite of all this, the term Manipuri is rubbed off them, they will be cut off from the mainstream of the culture and civilization of Manipur, of which they feel so proud and behind which there is a long tradition. And if the Maitis consider these factors with a liberal and sympathetic heart, they will find that the Bishnupriyas' love for the term Manipuri is quite reasonable and is not a mere baseless emotion. The Bishnupriyas has every right to use the term Manipuri. If they are not allowed to use the term, we shall have reasons to think that some subversive factors behind are at work. Last sentence ko dobara padhte hain. If they are not allowed to use the term, we shall have reasons to think that some subversive factors behind are at work. Iska matlab ye hua ki KP Sinha ko Maitei intellectuals par shak hua tha, par wo pinpoint nahi kar pa rahe the kyun kal tak Bishnupriya aur Maitei jati jo Manipuri brand ko chala rahe the, achanak uske jati ko is Manipuri brand se dur kiya ja raha hai. इन दोनों जातियों के रिश्तों को समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा 1970 से सीधे 1930। 1936 में मणिपुर के राजा चुराचन सिंह आए थे असम के आज के कछार जिले में, जहां पर ये दोनों जातियां मैतेई और बिष्णुप्रिया मणिपुरी रहती है। वहां वे उपस्थित होते हैं निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा के दूसरे सेशन में। अपनी आंखों के सामने हो रही महासभा में बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को न्योता नहीं मिलता है और वे अनुपस्थित रहते हैं, पर इस जाति के कृष्ण कुमार और समरजीत नामक व्यक्ति इसका आपत्ति दर्ज कराते हैं। चलिए पढ़ते हैं 2008 में रतन कुमार सिंह की लिखी गई पीएचडी थीसिस, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट अमंग द मैतेईज ऑफ कछार असम एंड मणिपुर। देयर वाज अनदर ए कंप्लेंट बाय द लीडर ऑफ बिष्णुप्रियास कृष्ण कुमार एंड समरजीत इन द एब्सेंस ऑफ द इन्विटेशन टू ज्वाइन द महासभा। 1936 में हुई निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का दूसरा सेशन जो असम कछार में हुआ था कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, 1934 में मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह के संरक्षण में स्थापित निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का यह पहला सेशन मणिपुर से बाहर असम कछार में 1936 में हुआ था। 1938 आते आते निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा से हिंदू शब्द निकाल दिया जाता है। दूसरा, असम के कछार जिले में आपोक्पा मारूप नामक एक ग्रुप था जो मैतेई जाति के बीच काम कर रहा था, उसकी शिकायत मणिपुर के राजा को कर दिया जाता है इस बात पर कि ये ग्रुप सनातन धर्म के अगेंस्ट काम कर रही है, जिसके कारण समाज में अशांति हो रही है। यहाँ पर यह बोल दिया जाए, सनातन धर्म के देवी देवताओं के अंतर्गत आपोक्पा कुल देवता का नाम है, जिसको बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति आज भी पूजा करती है। आपोक्पा मारूप नामक के ग्रुप के मुखिया नाउरियो फुलो या एन फुलो को बुलाया जाता है। वे अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर बोलते हैं कि वे सनातन धर्म के विरोध में नहीं है, सिर्फ वो मणिपुरी भाषा में पूजा करते हैं। महासभा को उसके ऊपर लगाए गए आरोप आपत्ति नहीं लगते हैं। तीसरा, बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को आमंत्रित नहीं किया जाता है। मणिपुरी इतिहास का 1936 में हुई यह अध्याय बिष्णुप्रिया मणिपुरी के लिटरेचर जो अवेलेबल है ऑनलाइन में पाया नहीं जाता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण घटना से ये जाति अनभिज्ञ है। पर अगर हम पढ़ते हैं प्रबोध कुमार सिन्हा का पीएचडी थीसिस, वहां पर हमें कारण मिलता है क्यों बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को 1936 में नहीं बुलाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। In the census of 1931, the Manipuris were classed under the category of the tribal group, and in a notice issued to the public for information by the Secretary Assam Franchise Committee on March 21, 1932, it was revealed that the Manipuris should invariably be treated as tribal people. This notice created a strong reaction and opposition in Kachar and Surma Valley. Manipuri leaders, both Bishnupriya and Maitei, jointly assembled at a meeting held on June 12, 1932 at Tarapur Silchar under the presidentship of Kailendra Chandra, to oppose the state government notification and to move to the government to enlist the Manipuris under the category of caste Hindus. 1931 में सेंसस में मणिपुरी को ट्राइबल ग्रुप में रखा जाता है। असम फ्रेंचाइज कमेटी से द्वारा पब्लिक को दी गई जानकारी में ये जारी किया जाता है कि मणिपुरी को ट्राइबल माना जाए, जिसका विरोध ये दोनों जातियां करते हैं। खेलेंद्र चंद्र जो एक मैतेई थे, उनकी प्रेसिडेंटशिप में एक बैठक बुलाया जाता है जिसमें ये दोनों जातियां उपस्थित होते हैं आज के असम कछार जिले में। इस बैठक का ये उद्देश्य था मणिपुरी को ट्राइबल से हटाकर कास्ट हिंदू में डाला जाए। इसी बीच ये बात भी उठाया जाता है कि बिष्णुप्रिया मणिपुर जाति और मणिपुर को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी किया जा रहा है। अब ये साफ नहीं है इन दोनों जातियों के बैठकों में क्या हुआ, इन दोनों जातियों के मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे संवेदनशील मामले में मैतेई समाज ने सोचा होगा ये विषय मणिपुर के राजा का है, इसलिए वे पीछे हट गए। ये सिर्फ अनुमान है। मैतेई जाति के मेंबरों का उदासीन रवैया देखकर ये विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति
1932 में सुरमा वैली मणिपुरी एसोसिएशन बनाते हैं और अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाते हैं मणिपुरी को ट्राइबल से हटाकर हिंदू कैटेगरी में डाला जाए। आखिर ब्रिटिश सरकार उनके मांगों को मान जाती है। ये सुरमा वैली मणिपुरी एसोसिएशन आगे चलकर 1933 में निखिल बिष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा बनता है। यहाँ एक चीज गौर करने की बात है, बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति क्या 1933 में ही निखिल बिष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा नामक संगठन स्थापित हो चुका था और सिर्फ एक साल बाद 1934 में मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह के संरक्षण में निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का गठन होता है। आज हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि बिष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का अपना महासभा स्थापित करना मैते जाति को पसंद नहीं आता है, इसलिए जब 1936 में निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का दूसरा सेशन असम कछार में किया जाता है उस सेशन में बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को नहीं बुलाया जाता है। अब हम सीधे चलेंगे 1940 इम्फाल घाटी मणिपुर। एन फूलो के समर्थक जो आपक्वा मारूप के नाम से असम के कछार जिले में थे, जब इसकी विचार इम्फाल मणिपुर पहुंचती है मैते जाति के बीच इसका ब्रांडिंग चेंज हो चुका होता है। अभी मैते मारूप के नाम से इसका सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन शुरू हो जाता है। असम के कछार में जहां ये कुल देवता आपक्वा के नाम से था, इम्फाल घाटी पहुंचकर जाति के नाम बदल चुका होता है। आपक्वा मारूप असम कछार में जहां ये हिंदू पूजा पद्धति को मणिपुरी व मैते भाषा में करने की बात कर रही थी, इम्फाल घाटी में पहुंचकर ये प्रचार शुरू कर देते हैं कि मैते जाति का सनातन धर्म से पहले अपना पुराना धर्म था। क्रिश्चियन मिशनरीज जो ब्रिटिश अफसरों के रूप में पूर्वोत्तर भारत में नियुक्त थे, जैसे टीसी हडसन और ई ए गेट की लिखी गई पुस्तकें बीच वो देती है कि 1800 शताब्दी में मैते जाति कन्वर्ट हुई है हिंदुइज्म में। मणिपुर और महाभारत के बीच का रिश्ता ये सब ब्राह्मणों का दिया गया कहानी मात्र ही है। ऐसे तथ्य आग में घी डालने का काम करती है। इम्फाल घाटी में दो ग्रुप बन जाते हैं, एक सनातन धर्म के पक्षधर और दूसरा जो सनातन धर्म के पहले धर्म को मानते थे। मैते हिंदू मैते मारूप का विरोध करती है। इस विरोध को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से संबोधित किया जाता है। इन दोनों गुटों के बीच वाद विवाद चलता रहता है। अब हम सीधे चलेंगे 1960 और 70 के दशक में। 1960 आते आते नए भारत में मणिपुर यूनियन टेरिटरी बनता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है, भाषाओं के माध्यम से ये दो जातियां मैते और बिष्णुप्रिया मणिपुरी अब अलग दिखने लगते हैं और पहचान दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ मणिपुर में शैक्षणिक संस्थानों में अंग्रेजों व क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा 1910 में दी गई विचार, जैसे 1800 शताब्दी से पहले मैते जाति का अपना पुराना धर्म था, मणिपुर और महाभारत के बीच का रिश्ता ब्राह्मणों का दिया गया एक झूठी कहानी है, पर सरकारी ठप्पा लगना शुरू हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। 1960 का मणिपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिश्चियनिटी इम्फाल घाटी पहुंच चुकी थी, कट्टर हिंदू रहे मैते जाति के बीच चर्च बनना शुरू हो जाता है। उससे पहले क्रिश्चियनिटी बस पहाड़ों तक ही सीमित था। यहाँ पर यह बोल दिया जाए कि क्रिश्चियनिटी पूर्वोत्तर भारत में कॉलोनियल स्कीम के तहत आया था, जहाँ मणिपुर में पढ़े लिखे लोग जो शैक्षणिक संस्थानों में बैठे थे मणिपुर की पिट्रू हिस्ट्री लिखने में बिजी हो जाते हैं, वहीं असम के कछार जिले में बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के पढ़े लिखे लोग अपने समाज को जागृत करने में लग जाते हैं। वे सरकारों से डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि अपनी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा दी जाए और उनकी भाषा को सरकारें स्वीकृत करें। 1961 में हुई सेंसस बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को हैरानी में डाल देती है, जब उनकी जनसंख्या मात्र 15,000 दिखाई जाती है। असम स्थित बराकवेली में अपनी मांगों पर दूसरे जातियों से जन समर्थन लेने में सक्षम हो जाती है। इसमें मैते जाति भी अपना समर्थन दे देते हैं। ये शुरुआती दिन थे। 1960 का दशक मणिपुर की हिस्ट्री में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट होता है। आज भी मणिपुर पर कुछ भी विचार व जानकारी है आम भारतवासियों को, ये सब 1960 में ही फाउंडेशन बना दिया गया था। उसका जीता जागता उदाहरण है UPSC एग्जाम में देखने को मिलता है, प्री हिंदू मणिपुरी फेथ, एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड द प्रोसेस ऑफ सिंक्रेटिज्म। ये मणिपुरी मॉडल जिसमें हिंदू रहे जाति अपने आप को हिंदुइज्म से पहले वाली धर्म का बात करते हैं, ये मॉडल इतना हिट है पूर्वोत्तर भारत में, इसका अनुसरण कुछ जातियां प्रयोग करती है हिंदू विरोधी व भारत विरोधी गतिविधियों में। मणिपुर में ये मॉडल शान से काम करती है, पर ये ब्यूटीफुल प्रोपेगेंडा है जो मणिपुर में खूब बिकता है और बिकता आया है। अगर हम इस प्रोपेगेंडा का अनुसरण करें तो पाएंगे फिर मणिपुरी रासलीला बॉलीवुड आइटम सॉन्ग ही है, क्योंकि 1800 शताब्दी में अगर हिंदुइज्म आया तो रासलीला तो बॉलीवुड आइटम ही हो सकता है। एकेडमिक नक्सल्स ने ये क्या क्या प्रपंच फैलाए हैं हम उस पर नहीं जाएंगे। मणिपुर से संबंधित हिंदुइज्म व हिंदूज का जो एकेडमिक प्रोडक्शन है उसको हम मिशनरी स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, प्रोपेगेंडा है। इसी दशक में JNU का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होता है जो आगे चलकर मणिपुर यूनिवर्सिटी बनता है। वहाँ ऐसे एकेडमिक नक्सल्स आते हैं जो हिंदुइज्म को मणिपुर के लिए डिस्टर्बेंस लिख रहे थे। मणिपुरी पारंपरिक इतिहासकार को पौराणिक राइटर्स बता रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
कंप्लीट एंटी हिंदुइज्म और मम ऑन क्रिश्चियनिटी एकेडमिक नक्सल्स का नेक्सस बनता है। बस कमी थी हथियार उठाने की, वो भी हो जाता है। जब मेते जाति के 1966 में आर्म्ड ग्रुप बनता है मणिपुर स्टेट कमेटी के नाम से, 1967 में इसका नाम चेंज हो जाता है मेते स्टेट कमेटी, क्योंकि नागा आर्म्ड ग्रुप्स मणिपुर शब्द पर आपत्ति जता देते हैं। 1960 के दशक में एंटी हिंदुइज्म स्टोरी नहीं बल्कि एंटी मणिपुरी स्टोरी बन चुकी थी। बस स्क्रिप्ट में एक चीज़ की कमी थी, वो था मेते जाति पर अत्याचार दिखाना है, यानी एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार करवाना है। वो भी तैयार हो जाता है जब 1967 में एन खिलचेंद्र व इबुंगोल सिंह एकेडमिक नक्सल्स बताते हैं कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद मणिपुर के राजा पुराने धर्म की पुस्तकों को जला देता है। उन पुस्तकों को पुया बोला जाता है। चलिए पढ़ते हैं ये पीएचडी थीसिस। इन सच क्रिटिकल सिचुएशन संतादास महंता इंस्टिगेटेड द किंग गरीब नवाज टू कलेक्ट ऑल सेक्रेट बुक्स। द किंग कलेक्टेड ऑल द अवेलेबल बुक्स ऑफ अबाउट 120 सेक्रेट पुयास ऑफ मेतेज एंड बर्न देम डाउन एट कंगला उत्तरा 1729। देन द ओल्ड मेते रिलीजन वॉज डिस्ट्रॉयड। These two events which took place in 1726 AD and 1729 AD as known as Kalu Yakaba and Puya Matheba till today in the cultural and religious history of Manipur. इस PhD thesis के author यहाँ quote करते हैं N. Khilchandr और Y. Ibunghal Singh के कार्यों को। ये author बता रहे हैं 1726 व 1729 से मेते जाति इस event का पालन कर रही है, वो भी cultural और religious। आपको ये पता होना चाहिए ये कोई cultural और religious नहीं है, ये बढ़िया प्रोपेगेंडा है। पहली बार पुया मथेबा ऑब्जर्व किया गया था 1978 में, वो भी छुपके, जहां गीता और महाभारत को जलाया गया था। दूसरी बार ऑब्जर्व किया गया था 21 जनवरी 1979 में, वो भी ओपनली, जहां वे संस्कृत में लिखे सनातन धर्म के ग्रंथों को जलाते थे। 1960 और 70 के दौरान ही विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के प्रमुख संगठन जैसे निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा और आंदोलन परिषद अनशन में बैठते हैं और असम के कछार जिले के डिप्टी कमिश्नर डीसी ऑफिस और एसडीओ को मेमोरेंडम जमा करते हैं। 1960 में बनाए गए सनातन धर्म विरोधी एकेडमिक फाउंडेशन पर 1970 और 80 के बीच कई एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं जो हिंदू विरोधी व पुराने धर्म के पक्ष में थे। हिंदू पूजा स्थलों को कब्जा करते हैं और दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा को बैंड भी करवा देते हैं। 1970-80 आते आते एकेडमिक्स पॉलिटिक्स और जमीन में इनका कब्जा हो चुका होता है और तब तक मणिपुर स्टेट भी बन चुका होता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू देवी देवताओं और जगहों के नाम के साथ साथ जो हिंदू मान्यताएं थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये एक टेबल है जो हमें मिलता है इस पीएचडी थीसिस में। पहले कॉलम में हिंदू पूजाओं के नाम है, दूसरे कॉलम में मैते भाषा में हिंदू देवी देवताओं का नामांकन किया गया है और चौथे कॉलम में ये कब कराई गई। आज 2020 में समझाने की जरूरत नहीं है नाम चेंज क्यों कराया गया। यहाँ सिर्फ नाम चेंज नहीं करवाया गया बल्कि हिंदू भगवानों के मान्यताओं के साथ छेड़खानी की गई है, उसके पीछे के पौराणिक मान्यताओं को रिप्लेस कर दिया गया है। आसान शब्दों में बोला जाए तो एक ब्रांडेड बोतल की लेबल चेंज करा दिया गया है और उस बोतल में दूसरा पदार्थ डाल दिया गया है। ये सब जब मणिपुर में चल रहा था वहाँ असम बाराक वैली में विष्णुप्रिया मणिपुरी सालों साल चले धरना प्रदर्शन सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट कर आखिर 1975 में कुछ सफलता हाथ लगती है। भारत सरकार ऑल इंडिया रेडियो से 15 मिनट उनकी मातृभाषा में प्रसारण के लिए इन प्रिंसिपल एग्री हो जाती है। ये गौर करने की बात है जहां 1970-80 का दौर पूर्वोत्तर भारत टेररिज्म से त्राही त्राही था, ये जाति हथियार नहीं उठाती है और संवैधानिक तरीके से उसका पालन करते हुए अपना डिमांड सरकार तक पहुंचाती रहती है। पर 15 मिनट वाली खबर मेते जाति के गले के नीचे से उतरती नहीं है। फिर क्या था, द फर्स्ट ऑब्जेक्शन वॉज रेज्ड थ्रू ए लेटर एड्रेस्ड टू द स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी असम, एक्सप्रेसिंग द रॉन्ग इंक्लूजन ऑफ ए विष्णुप्रिया मणिपुरी प्रोग्राम ऑफ 15 मिनट्स ड्यूरिंग ब्रॉडकास्टिंग। अकॉर्डिंग टू चंद्र सिंघा ए मेते रेस्पॉन्डेंट, दिस इज ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू मेते एंड द मणिपुरी लैंग्वेज। Moreover, he added that there is no community called Vishnupriya Manipuri or Manipuri Vishnupriya into the census report of 1961. Manipuri Sanskriti, Mahabharat, Arjun, Chintrangada, Rasila, Kirtan ko vahak mante aayi ye jati apne aap ko thaka hua mehsoos karti hai. Inke peron ke niche se jameen hi nikal jati hai. Is jati ke intellectuals busy ho jate hain apne aap ko proof karne mein ki unki jati Manipur mein origin hui hai. Unki bhasha ka origin us mitti mein hui hai jahan Mahabharat, Puran, Bhagwan Shri Krishna ki lila kankan mein basi hai. और वे मेते जाति के साथ साथ मणिपुर से निकल गए थे जब मणिपुर में बर्मिस आक्रमण होता है और आज के असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में तब से बसे हैं। यहाँ पर यह बोल दिया जाए, मणिपुर से संबंधित जितने भी जातियाँ हैं एक बीमारी अंग्रेजों द्वारा दी गई है और वो भुगत रहे हैं, वो है जातियों के ओरिजिन पर सर खपाना। जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई थी, आज 100 साल से ज्यादा हो गया है, चाहे वो मेते हो, विष्णुप्रिया मणिपुरी हो, लोयस जाति हो या और कोई जाति हो,
किसी को भी आज तक वो फॉर्मूला नहीं मिला जिसके कारण ये बताया जा सके कि ये जाति अस्तित्व में आई कैसे, और इनको हजार सालों के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिलने वाला। आम भारतवासी सोच भी नहीं सकता ये बीमारी कितनी पेंडेमिक है। ये इसलिए है क्योंकि अंग्रेज जो आए थे मणिपुर व असम में, यानी आज के पूर्वोत्तर भारत में, उनके लिखे गए पुस्तकों का एक टेम्पलेट हुआ करता था जिसमें वे ओरिजिन के विषय पर लिखते थे, जो आज तक फॉलो किया जाता है। वो टेम्पलेट सेम ही है, यह कॉलोनियल एरा बीमारी है। बिष्णुप्रिया मणिपुरी ओरिजिन पर आते हैं। बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति महाभारत अर्जुन बब्रुवाहन के द्वारा मणिपुर में अपना ओरिजिन दिखाने की कोशिश रंग नहीं लाती है, ये हो भी नहीं सकता था। पहला कारण था क्योंकि 1970 और 80 के दौरान एंटी हिंदुइज्म मणिपुर में चरम पर था। जहां महाभारत गीता को जलाया जा रहा हो, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा हो, वहां कहां बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति जो हिंदू है उसके दिए गए तर्कों की दाल गलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, मैथे समाज वो नहीं था जो बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति देख रही थी या समझ रही थी। ये जाति अनभिज्ञ थे मैथे समाज के अंदर हुए उथल पुथल को समझने में। वे अनभिज्ञ थे 1930 में मैथे जाति में क्या हुआ था। हैरानी तो इस बात की है, ये सब घटनाएं उनके सामने घटित हुई थी असम के कछार जिले में, जहां ये दोनों जातियां आज भी रहती है। ये इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि इम्फाल घाटी में 1940 और 1960 के दौरान मैथे समाज दो ग्रुपों में बट गई थी, हिंदू मैथे और दूसरे जो हिंदू धर्म से पहले वाले धर्म को मान रहे थे और उसके तरफ जिनका झुकाव था। इन दोनों ग्रुपों के बीच काफी बहस चली थी। जो हिंदू मैथे थे वे ऐसे ही तर्क सामने ला रहे थे जो 1970 और 80 के दौरान बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के इंटेलेक्चुअल्स ला रहे थे, जैसे आज का मणिपुर महाभारत वाला मणिपुर है। जो हिंदू फोबिक ग्रुप था वो बोलते थे महाभारत वाला मणिपुर ये नहीं है, वो कहीं और है, या मणिपुर और महाभारत ये तो ब्राह्मणों का दिया गया झूठ है। बिष्णुप्रिया मणिपुरी अपने आप को आर्यन ओरिजिन बता रही थी। यहाँ पर ये ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि इनसे पहले मैथे हिंदू यही तर्क देते थे। चलिए पढ़ते हैं एम कीर्ति सिंह की 1971 में लिखी गई पीएचडी थीसिस रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन मणिपुर इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। एम कीर्ति सिंह पहले मैथे थे जिन्होंने पीएचडी डिग्री व डीलिट की डिग्री प्राप्त की थी। वे क्या लिखते हैं महाभारत के मणिपुर पर। In the opinion of Autumn Babu Sharma and W. Yumjao Singh, the present Manipur is the same as epic Manipur. They tried to prove their contention by the help of philology and astronomy. Maithi Bhasha wa Sanskrit par kya likhte hain? Oriental scholars like Autumn Babu Sharma and W. Yumjao Singh have shown Maithi or Manipuri language and its grammar is based on Sanskrit grammar. Manipuri language contains maximum number of words of Sanskrit origin. Manipuri scholars like Autumn Babu Sharma and W. Yumjao Singh hold that the origin of the Maithis can be traced to the Aryans. They are the descendants of the group of people coming from Mithila. Bishnupriya Manipuri apne aap ko Babrubahan ka vansaj manti hai. 1908 mein likhi gayi T.C. Harrison ki kitab ke anusar Maithe jati bhi Babrubahan ko apna vansaj manti thi. Agar koi chahta hai Autumn Babu Sharma aur W. Yumjao Singh ke karyo par video banaya jaye, comment jarur karein. Jahan 1960 aur 70 ke beech apne mangon ko lekar Bishnupriya Manipuri samaj charambad tarike se satyagraha mein lag jati hai. Aise nare prerna ka srot banta hai aur jan chetna ka kaam karti hai. 1970-80 आते आते असम कछार जिले के कई राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति इस जाति के समर्थन में होते हैं। इसी दौरान बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के संगठन अनशन में भी बैठते हैं। इसी दशक में 1976 में बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के ऊपर पहला पीएचडी थीसिस देखने को मिलता है। इस पीएचडी थीसिस को पढ़ के पता चलता है क्या यथास्थिति रही होगी और क्या सोच व्याप्त था। यहाँ पर पूरा एक चैप्टर है जो इस जाति के ओरिजिन पर लिखा गया है। वहाँ पर बब्रुवाहन के वंशज का उल्लेख मिलता है और वहाँ पर हमें हिंदू देवी देवताओं का बंटवारा होते हुए भी दिखाई देता है। इसी 1970 और 80 के बीच हमें पढ़ने को मिलता है जहाँ केपी सिन्हा लिखते हैं, वी शैल हैव रीजंस टू थिंक दैट सम सबवर्सिव फैक्टर्स बिहाइंड आर एट वर्क। अब चलते हैं 1980 और 90 के बीच इन दोनों जातियों के बीच क्या चल रहा था। जहाँ 1930 और 40 में ये दो जातियों के गिने चुने लोग अलग अलग बैठक करते थे, मणिपुर में 1980 आते आते मणिपुरी लेबल बस एक भाषा तक सीमित हो जाता है। बड़े आसानी से मणिपुरी का मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। एंटी मणिपुरी ताकतें मणिपुरी को भाषा तक सीमित कर देते हैं और बड़े समझदारी से उसकी संस्कृति व कोडिंग पर बिना रोक टोक के प्रहार एक के बाद एक करते रहते हैं। मैथे हिंदू और उसकी विचारधारा अब बस शोपीस तक सीमित हो चुका था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटिकल पार्टीज उसके विरोध में थे। रंगमंच में रासलीला चल रहा होता था पर टेप रिकॉर्डर के कैसेट में चलाया जा रहा था गाना। मणिपुर में 1800 शताब्दी में हिंदुइज्म आया, एक बंगाली ब्राह्मण आकर राजाओं को कन्वर्ट कर दिया, फिर राजा ने पूरी मैथे जाति को जबरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया, उसने फिर पुराने ग्रंथ जला डाले।
वहीं बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति असम के कछार जिले में बिजी थी धरना प्रदर्शन और अनशन में। डीसी एसडीओ को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम जमा कर रहे थे कि उनकी मातृभाषा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाए। आखिर उनकी मेहनत रंग लाती है जब 1983 में असम सरकार ऑर्डर पास करती है कि बिष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लागू करेगी इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन कछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। जैसा कि होना ही था, इस ऑर्डर को स्टे मिल जाता है जब मणिपुर सरकार ऑब्जेक्शन रेज करती है इस जाति के द्वारा मणिपुरी शब्द के प्रयोग पर। बोखला है, बिष्णुप्रिया मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन फिर से लॉन्च करते हैं मास मूवमेंट असम सरकार के स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए। ये चरमबद्ध तरीके से अपना आंदोलन चलाते रहते हैं। जहां इस जाति के लोग प्रदर्शन अनशन में लगे थे, वहीं इंटेलेक्चुअल्स ऐसे लिटरेचर ला रहे थे जो उनकी मातृभाषा को मजबूती दे सके और सुरक्षा कवच प्रदान करे। 1986 में केपी सिन्हा द्वारा पब्लिश होता है बुक एनेटिमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ बिष्णुप्रिया मणिपुरी। केपी सिन्हा के ऊपर लिखी गई आर्टिकल में लिखा जाता है, ही एस्टेब्लिश्ड इन द लिंग्विस्टिक वर्ल्ड दैट बिष्णुप्रिया मणिपुरी इज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड नाइदर अ डायलेक्ट ऑफ बंगाली नॉर ए असमीज। ही हैज थ्रोन अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट अराउंड द लैंग्वेज ऑल बाय हिमसेल्फ। 1994 में पूरे देश भर से बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के लोग जमा होते हैं असम के पतरकांति क्षेत्र में। ये विशाल समारोह असम सरकार और त्रिपुरा सरकार के नजर में आ जाती है। सन 1995 में त्रिपुरा सरकार स्वीकृति दे देती है कि बिष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा एज ए सब्जेक्ट राज्य के प्राइमरी स्कूलों में लागू किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार का यह फैसला असम स्थित बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को प्रेरित करता है असम सरकार द्वारा स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए। ये सरकार पर दबाव बनाती है। आखिर 1996 में असम सरकार मान जाती है तो इंट्रोड्यूस बिष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ बराकवेली। पर सिर्फ 2 महीने बाद असम सरकार मणिपुर सरकार के दबाव में आ जाती है और फिर से स्टे कर देती है। इस जाति के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने लोगों को जागृत कराते हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मई 25, 1999 में असम सरकार मान जाती है। अब असम सरकार के निर्णय के विरोध में मेटे जाति में गुस्सा और रोष आ जाता है। वे असम सरकार और त्रिपुरा सरकार के निर्णयों के विरोध में आ जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं वेद प्रकाश द्वारा लिखी गई बुक टेररिज्म इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ए गैदरिंग स्टॉर्म वॉल्यूम 1। इट ऑल स्टार्टेड विद द असम गवर्नमेंट अनाउंसिंग इट्स डिसीजन इन मई 1999 टू रिकॉग्नाइज बिष्णुप्रिया मणिपुरी एज ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल एक्सीडिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द बिष्णुप्रिया कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। द मणिपुर चीफ मिनिस्टर डब्ल्यू निपामाचा सिंह रिएक्टिंग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड असम्स डिसीजन एसर्टिंग दैट द बिष्णुप्रिया कम्युनिटी वाज नॉट पार्ट ऑफ मणिपुरी कम्युनिटी। He emphasized that Manipuri and Bishnupriya were two distinct and separate linguistic groups. As the former belonged to the Tibeto-Burman family of the languages, while the latter language was part of Indo-Aryan linguistic group. These scholars did not lag behind the politicians to safeguard the interest of the language and the state. Manipuri Sahitya Parishad of Assam threatened to launch an agitation against the decision. The Manipur government has lost a protest with the center and asked it to press Mahanta to drop the suffix Manipuri from the term. यहाँ पर नोट करने की बात है, इन दोनों जातियों को अलग दिखाने के लिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर डब्ल्यू निपामाचा सिंह को वेस्टर्न लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। टिबेटो बर्मन फैमिली ना मैते ने बनाई है और ना इंडो आर्यन फैमिली बिष्णुप्रिया मणिपुरी ने बनाई है। दुर्भाग्यवश अब ये दोनों जातियां अपने आप को अंग्रेजों द्वारा दी गई दृष्टि से देखते हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। इन दोनों जातियों का विवाद कानूनी गलियारों में भी चले जाता है। दो में मणिपुर के गवर्नर ऑर्डर जारी करते हैं कमिटी अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ द बिष्णुप्रिया, जिसमें ऑफिशियल मेंबर्स और साथ में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। एक मेंबर सीएच कमनिहर सिंह एक बुक निकालते हैं एक क्लेरिफिकेशन ऑन द बिष्णुप्रिया इन रिलेशन टू द मणिपुरीज, और एक मेंबर एक बुकलेट निकालते हैं फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री द मैतेई एंड द बिष्णुप्रिया। ऐसे ही कुछ प्रयास होते हैं मणिपुर में मैतेई जाति के बीच बिष्णुप्रिया जाति को लेकर। अंततः बिष्णुप्रिया के साथ मणिपुरी मुद्दे को मैतेई जाति सुप्रीम कोर्ट ले जाती है। आखिर 2006 में दी गई जजमेंट के अनुसार बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपने साथ मणिपुरी लगाने में सक्षम हो जाती है। इस जीत पर द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर क्या लिख रहा था, मणिपुरी स्टेज विद बिष्णुप्रिया। ए टू बेंच डिवीजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट कंप्राइजिंग जस्टिस रुमा पॉल एंड जस्टिस दलवीर भंडारी ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इफ बिष्णुप्रियास कंटिन्यूड टू यूज द टर्म मणिपुरी आइदर एज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ द बिष्णुप्रियास। With this verdict, the Supreme Court endorsed Guwahati High Court's judgment delivered on April 9, 1999, approving the inclusion of Bishnupriya linguistic community in the list of the other backward communities in Assam. The case came to the Supreme Court after Manipur government and one K. Kumardhan Singh challenged the Guwahati High Court's verdict in a bid to assert the identity of the Maitis as the only Manipuri population. They objected to the use of the term Manipuri along with Bishnupriya. इस वीडियो में इन दोनों जातियों का रिश्ता समझने के लिए हम 1930 से चले थे, अब हम 2006 तक पहुंच चुके हैं। अब तक दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये दोनों जातियां टकराव में नहीं आते अगर धार्मिक दृष्टिकोण रखा जाता, मणिपुरी को प्रॉब्लम ना समझकर खुफी माना जाता। ये अनोखी बात है मणिपुरी संस्कृति की,
कि ये अवेलेबल है दो भाषाओं में। यहाँ पर संस्कृति का मतलब खान पान पहनावा नहीं बल्कि उस मिट्टी से जुड़ी देवी देवताओं के पौराणिक कथाओं से संबंधित है। कंप्लीट पैकेज है जिसमें अर्जुन है, महाभारत है, पौराणिक ग्रंथ है, जन्म से मृत्यु तक के कर्मकांड शामिल है। आम भाषा में बोला जाए तो सनातन धर्म जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मणिपुरी उसका कस्टमाइज ग्राफिकल वर्जन है। इसके सब्सक्राइबर वही हैं जो इस सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे, उसे कोड्स को सेफगार्ड और रेस्पेक्ट करे। आज ये सॉफ्टवेयर मणिपुरी दो लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है, मैते भाषा में व विष्णुप्रिय मणिपुरी भाषा में। हो सकता है आने वाले दिनों में और कोई इस मणिपुरी सॉफ्टवेयर ना सिर्फ ग्रहण करे पर उसे कोड्स को सुरक्षित व प्रभावशाली बनाए। ये भी हो सकता है ये दो जातियां मैते व विष्णुप्रिय मणिपुरी इस मणिपुरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करें। बंगाल मैतेई, मैते क्रिश्चियन रिलीजन बिफोर हिंदुइज्म के सब्सक्राइबर इसका प्रयोग नहीं करती है और मणिपुरी सॉफ्टवेयर का कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता और ना उसके प्रोडक्ट्स का। क्रिश्चियन भरतनाट्यम के तर्ज पर क्रिश्चियन रासलीला नहीं हो सकता। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पर जाते जाते एक दो सालों में अचानक विष्णुप्रिय मणिपुरी जाति पर इंटेलेक्चुअल नक्सल्स 2.0 का ध्यान पड़ गया है। अब ये नए तरकीब ला रहे हैं। 1960 और 80 के इंटेलेक्चुअल नक्सल्स नहीं रहे, अब ये फिर से नेक्सस बना रहे हैं जो हमें नजर आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये इंटेलेक्चुअल नक्सल्स इस जाति के पीछे क्यों पड़े हैं? जिन्होंने राजीव मल्होत्रा की बुक द ब्रेकिंग इंडिया पढ़ा है समझ गए होंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कारण ये है आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड एंटी मणिपुरी व एंटी हिंदुइज्म एक ग्रुप है जो हमें 1940 के बाद मणिपुर में नजर आता है और जिसका सिक्का अभी भी चल रहा है एकेडमिक्स में, पॉलिटिक्स में, ग्राउंड में, सब्सक्राइबर्स के रूप में। ये जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति है इस ग्रुप के कहानियों को नहीं मानती है, जैसे हिंदुइज्म का 1800 शताब्दी में मणिपुर में आना, मणिपुरी को संस्कृति से काट कर भाषा तक सीमित कर देना। इस वीडियो में बताया गया है इस ग्रुप के पहले टारगेट थे मैते हिंदूज। मैते हिंदूज सिंध से बाहर कर दिया गया है, अब वे बस कन्वर्जन का सोर्स बनकर रह गए हैं या शोपीस बनकर रख दिया गया है, रासलीला करते रहे। इसलिए ये जाति इस ग्रुप के आंखों में किरकिरी बनी हुई है और अभी भी ये जाति 100% हिंदू है। इस जाति के ऊपर आने वाले समय में और भी आक्रमण होंगे। जाते जाते मणिपुर व विष्णुप्रिया मणिपुरी में ये फर्क दिखाई देता है। 2009 में ये पीएचडी थीसिस जमा होता है एडवेंट ऑफ ए कास्ट द इमर्जेंस एंड रोल ऑफ ब्राह्मण्स इन मणिपुरी सोसाइटी, जिसमें ब्राह्मणों को मणिपुर व मैते समाज से बाहर दिखाया जाता है। इसमें लेखक लिखते हैं जो ब्राह्मण आए थे मणिपुर में वे नकली ब्राह्मण थे। और उसी वर्ष 2009 में और एक पीएचडी थीसिस जमा होता है स्टडी ऑफ द हरि भक्त विलासा एंड इट्स रिलेवेंस टू विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी, जिसमें लेखक हरि भक्ति विलासा नामक स्मृति को कैसे पालन करती आई है वे लिखते हैं। आज के दिन मैते जाति अपनी परेशानी से जूझ रही है, कुछ हम जानते हैं और कुछ सामने नहीं आई है, कुछ अंदरूनी है और कुछ बाहरी है। वहीं विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति आज भी असम में अपने कुछ डिमांड सरकार से कर रही है। यह था मणिपुरी व मैते जाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के बीच का रिश्ता। कहीं समझ में नहीं आया हो कमेंट जरूर करें। मणिपुर से संबंधित और भी वीडियोज हैं वो जरूर देखें।